Hello everyone, welcome to Sumedh tutorial. Today I am going to discuss about ringworm disease. Start करते हैं. ये जो ringworm disease है, वो fungal disease है, fungi से cause होती है. तो आपने देखा typhoid, pneumonia, common cold, malaria and ascariasis, elephantiasis, filariasis. ये सारी topic cover हो चुकी है. तो आपने देखा कि जो typhoid और pneumonia थी, वो bacterial disease है. एंड जो कॉमन कोल्ड है वो वायरल डिजीज है. एंड जो मलेरिया है वो प्रोटोजोअन डिजीज है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से कॉज होती है. एंड जो एस्कैरिसिस, एलिफेंटेसिस और फिलेरिसिस डिजीज है वो वॉर्म से कॉज होती है, फिलेरियल वॉर्म से. ओके. एंड जो ये रिंगवॉर्म डिजीज है वो फंगल डिजीज है, फंजाई से कॉज होती है. तो हम देखते हैं. तो आप देख रहे हो एनसीईआरटी से. स्टार्ट करते हैं. मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म्स. तो मैंने आपको बताया कि जो रिंगवर्म डिजीज है वो फंजाई से कॉज होती है. तो वो कौन कौन सी फंजाई है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम. तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो रिंगवर्म डिजीज है वो फंजाई से कॉज होती है, यहाँ से क्वेश्चन भी आती है. एंड इनकी जो नेम है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज इन मैन. ये जो डिजीज है ह्यूमन बींग में, ये कॉमन डिजीज है, ज्यादातर लोगों को ये डिजीज हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैलिनेशन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल एंड स्कैल्प. जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है. एंड स्कैलिनेशन मीन्स, आप इस फिगर में तो क्लियर नहीं दिख रही है, ये फिगर देखिए. इस फिगर में क्या है, आप देख रहे हो कि जो स्किन है वो इस टाइप की हो जाती है, इसे ही कहते हैं स्कैली स्किन. ओके. तो इस टाइप की स्किन हो जाती है, स्किन, नेल, स्कैल्प, ये सारे जो है इस टाइप के हो जाते हैं, इसे ही कहते हैं स्कैलिलेशन. ओके. आप देख रहे हो व्हाइट टाइप की जो है वो स्किन जो हो रही है वो निकल रही है, इस टाइप की ही हो जाती है. रिंगवर्म डिजीज के ये मेन सिम्टम है, स्किन, नेल, स्कैल्प ऐसी हो जाती है, ये मेन सिम्टम है इस डिजीज की. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, दिस लेसन आर कॉम्पनाइज बाय इंटेंस ईचिंग. आपने जो फिगर देखा वो स्कैली स्किन, वो क्या होती है, वहां पे ईचिंग होती है. नेक्स्ट पॉइंट, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो विच मेक देम ट्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन ग्रोन और बिटवीन दी टोज. हीट एंड मॉइस्चर जो होती है स्किन में, वो क्या करती है, वो हेल्प करती है फंजाई को ग्रो करने में, हेल्प करती है. हीट एंड मॉइस्चर मिलेगी तो वो फंजाई क्या करेगी, और ज्यादा ग्रो करेगी तेजी से. दोनों टोज के बीच में क्या हो जाएगी, रेड टाइप की जो हो जाती है, रेड टाइप की जो स्किन हो जाती है वो क्या होती है, इस रिंग वॉर्म की वजह से ही होती है. आपने किसी किसी को देखा होगा कि अक्सर नेक के साइड में रेड टाइप की, रेडिस टाइप की हो जाती है, ठीक है, स्किन. एंड वो राउंड राउंड शेप में होती है, ठीक है. एंड वो रेडिस कलर की होती है, वहां पे बहुत इचिंग, जलन, ये सारी होती है, ठीक है. वो क्या करती है, जो ये जो फंजाई है वो ग्रो करती है. एंड ये राउंड शेप में होने की वजह से इसे रिंग वॉर्म कहते हैं, ठीक है. एंड ये दोनों टोज के बीच में भी ग्रो करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, रिंगवॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल, क्लॉथ और इवन द कॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. ये जो रिंगवॉर्म है वो नॉर्मल पर्सन में कैसे होती है, ये इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवेल यूज करते हैं या फिर सॉइल के थ्रू भी होती है. एंड इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवेल, क्लॉथ या फिर उसकी कॉम को यूज करते हैं, तो ये नॉर्मल पर्सन को भी हो सकती है, ठीक है. तो कोई भी ह्यूमन बींग है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवेल, क्लॉथ या फिर कॉम को यूज करता है, तो ये डिजीज उसको भी हो सकती है. आई होप गाइस आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो अपने स्टडी को डेली बेसिस पे करने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.